हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप बाय एनी चांस किसी एक सब्जेक्ट में यहाँ पे कनाडा में फेल हो जाते हो, सो आगे का क्या प्रोसीजर रहता है, कितनी फीस होती है एक सब्जेक्ट की, आपको कैसे ऐड करना है और सारी गाइडलाइन, मतलब आपका अगर लास्ट सेमेस्टर था तो आपका स्टडी परमिट का स्टेटस क्या रहेगा आगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं और आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलने को आपको लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकेंड थिंग ये कि मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है यहाँ की एजुकेशन सिस्टम और यहाँ पे कैसे इवेल्यूएट करते हैं, असाइनमेंट्स कैसी रहती है, मिड टर्म फाइनल और वो सब कितना कितना परसेंटेज में रहता है और पास होने के क्राइटेरिया क्या है, वो इस वाले वीडियो में यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया हुआ है। सो ये वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये वाला वीडियो समझने में और आसानी हो जाएगी। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन वॉच दिस वीडियो। सो अब बात कर लेते हैं कि यार मेनली बंदा कैसे फेल होता है, मतलब क्राइटेरिया क्या है फेल होने का। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे दो मेन क्राइटेरिया है फेल होने के, दूसरे वाले के ऊपर हम लास्ट में चर्चा करेंगे, मतलब लास्ट में बताऊंगा कि क्या है। और सबसे पहला जो बेसिक है वो ये है कि इंडिया में जैसे 35% से ऊपर है तो हम पास है, राइट, वैसे यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे 55 से लेके 60% होते हैं पासिंग होने के, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में 55 सब्जेक्ट में होते हैं पासिंग क्राइटेरिया और किसी में 60 होते हैं, बट मैं अभी के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि 60 है, ठीक है। सो 60% अगर आपके टोटल हो रहे हैं या उससे ऊपर हो रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है। अब स्टूडेंट के अगर सपोज करो 55% है तो वो फेल हुआ, राइट। अब यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट में डिटेल में ये प्रोफेसरों ने या मेरे को नहीं पता किसने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया होता है, सो ऐसा होता है कि यहाँ पे 55 से लेके 60 के बीच में कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है, तो आप सब्जेक्ट के बारे में प्रोफेसर से एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो। सो 55 से लेके 60 के बीच में अगर आप फेल हुए थे सो आपको एक और चांस मिलता है सप्लीमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने का। सो सप्लीमेंट एग्ज़ाम बेसिकली आपका जो स्कोर था वो उतना कम नहीं था, तो इसके लिए आपको प्रोफेसर एक और मौका देता है, वो छोटी सी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ कंडक्ट करेगा या कुछ असाइनमेंट भी हो सकता है दे, तो वो असाइनमेंट में या एग्ज़ाम में आप अगर थोड़ा सा अच्छा सा स्कोर करेंगे तो आपको 2-3-4% ऐड करके आपको आसानी से वो पास कर देगा। बट फॉर इन सपोज कि अगर बाई चांस वो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट एग्ज़ाम का ऑप्शन नहीं था, जो कुछ कुछ में नहीं भी होता है, या फिर आपके परसेंटेज बहुत कम थे, फॉर एन एग्जाम्पल 45%, ठीक है, सो उस केस में आप डेफिनेटली उस सब्जेक्ट के अंदर फेल हो। अब अगर आपको लगता है कि आपको फेल किसी प्रोफेसर ने जानबूझ के कराया या आपकी कुछ नहीं बनती या वॉट एवर इश्यू, अगर आपका कोई इश्यू था प्रोफेसर के साथ ऐसा कुछ, तो आप उसके लिए कुछ अपील कर सकते हो। मेरे को डिटेल में प्रोसीजर नहीं पता, बट आप अगर प्रोफेसर से खुद ही पूछोगे तो प्रोफेसर भी बताएंगे आपको कि आप अगर मेरे डिसीजन से सहमत नहीं है तो आप ये जो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर जाके ये पढ़ सकते हो और इस तरीके से आप जो डिसीजन था वो अपील कर सकते हो। बट फेल तो आप हो चुके हो, बिकॉज मेरे हिसाब से 45% तो 60 तक पहुंचने में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो फेल होने के बाद होता ही है कि आपको वो जो सब्जेक्ट था वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर अवेलेबल है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ऐड करना है। अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं अवेलेबल बाई चांस, या मैं कहूँगा बैड लक की वजह से आपके, सो आपको 4 महीने वेट करके उसके बाद वाले सेमेस्टर में आपको वो सब्जेक्ट करना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉबली वो सब जो सब्जेक्ट होता है वो आपके स्टूडेंट पोर्टल या जो कोई भी कॉलेज का होता है वहाँ से आप ऐड कर सकते हो। एंड मैंने जहाँ तक सुना है कि आप एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट जो होता है वही ऐड कर सकते हो, 7 से ऊपर आप नहीं पढ़ सकते एक सेमेस्टर के अंदर। यानी अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट करना पड़ेगा या तो आपको कोर्स रिपीट करना पड़ेगा, बट ये सिनारियो में मैं नहीं जाता क्योंकि मेरे ध्यान में ऐसा कोई था नहीं जो 2-3 सब्जेक्ट में फेल हुआ, एक सब्जेक्ट का मेरे को पता है इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। सो वो आप सब्जेक्ट ऐड करोगे। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट की फ़ीस कितनी होगी। तो मैंने जहाँ तक देखा है यहाँ पे अगर एक सब्जेक्ट आपको ऐड करके वो पर्सनली करना है तो उसकी जो फ़ीस होगी वो 1000 से लेके 1500 तक होगी, वेरी करती है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी कॉलेज है, वॉट एवर। सो इतनी तो मिनिमम आप गिन लो कि 1000, तो 1000 से 1500 तो आपके लगने ही लगने हैं, और उसके बाद आपको वापस से ही सारा पढ़ना पड़ेगा, सारे असाइनमेंट जो सारी चीज़ है वो वापस से फॉलो करनी पड़ेगी और उसके बाद एग्ज़ाम दे के आप पास कर सकते हो। अब जो एक मेन चीज़ थी जो मेरे दिमाग में सवाल आया था, जो आपके दिमाग में भी शायद तक आ चुका हो, कि अगर आपका लास्ट सेमेस्टर था जिसमें आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फिर आगे क्या होगा।
सो उसमें मैंने एक दो तीन लोगों से पूछा तो मेरे को जानने को मिला कि अगर आपका लास्ट सेमेस्टर था और आप उसमें किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो सो आपको वो सब्जेक्ट जो था वो वापस रिपीट करना है राइट अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका स्टडी परमिट का क्या होगा? क्योंकि बिकॉज हो सकता है आपका स्टडी परमिट एक दो तीन महीने में एक्सपायर हो जाए, तो आपको जो आपका स्टडी परमिट है वो आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा जो आप सब्जेक्ट में फेल हुए हो उसके बेसिस के ऊपर, तो उससे आपका स्टडी परमिट एक्सटेंड होगा आगे। और एक चीज़ ये कि आप सिर्फ पार्ट टाइम स्टूडेंट कहलाओगे इस दौरान, बिकॉज आप एक ही सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ोगे, और जहाँ तक मेरे को पता है कि पार्ट टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं या सिन के ऊपर काम करने के लिए, या आपकी स्टडी परमिट में नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं लिख के आएगा कि आप सिन के ऊपर या ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस काम कर सकते हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो जाएगा और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इश्यू या प्रॉब्लम फेस करने पड़े। और एक चीज़ ये कि जो मैंने बताया था कि सेकेंड क्राइटेरिया जो फेल होने का होता है वो ये है कि यहाँ पे आप किसी दोस्त के असाइनमेंट को कॉपी करके पेस्ट करना जैसे हम इंडिया में करते हैं, या फिर किसी साइट से कंटेंट उठा के अपने असाइनमेंट में चिपका देना, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ अटेंशन पे करते ये लोग। और यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलेज की जो पॉलिसी होती है एकेडमिक इंटीग्रिटी करके APA फॉर्मेट होता है जो वो होता है, सो मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट मैं जो कॉनेस्ट होगा कि जो साइट है एकेडमिक इंटीग्रिटी की वो डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रॉपर अगर आपने किसी इंटरनेट से कोई जैसे सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है तो उसको प्रॉपर साइट करना पड़ता है, उसको रेफरेंस में ऐड करना पड़ता है, फिर उसकी लिंक बनानी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें होती है कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको हो सकता है पूरा दिन निकल जाए, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब कॉलेज चालू करोगे तब आपके प्रोफेसर और ओरिएंटेशन में और मतलब जब भी आप असाइनमेंट चालू करोगे तब आपको प्रोफेसर सामने से ही बता देंगे कि हमें APA फॉर्मेट चाहिए, इसकी ये लिंक है और ऐसे ऐसे करना है। और मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि ये फेल होने का रीज़न है, अगर आपके सपोज करो एक सब्जेक्ट में आपने कोई कॉपी कर लिया अपने दोस्त का किसी असाइनमेंट, वापस आपको एक एकेडमिक इंटीग्रिटी लग जाएगी, ठीक है, हो सकता है ये आपकी चीज़ें दूसरी बार या तीसरी बार रिपीट हो गई। सो यहाँ पे ये पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है कि अगर आपके दो तीन बार अगर ये चीज़ हो गई तो आपको हो सकता है सब्जेक्ट में प्रोफेसर फेल कर दे। और मैंने देखा ये पर्सनली कि मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उसको दो या तीन बार कुछ लगा था और उसको सब्जेक्ट में फेल कर दिया था प्रोफेसर ने। और इवन दो अगर आप और रिपीट करते हो तो हो सकता है कि कॉलेज आपको सस्पेंड कर दे। सो मेरे उम्मीद यही है कि यार असाइनमेंट खुद करो, नहीं आता आपने 8-9 लाख रुपए एक साल के पे करे हुए हैं तो प्रोफेसर को जाके पूछो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, सारे फ्रेंडली है, आपको सारे जवाब देंगे, स्पेशली टाइम लो प्रोफेसर के साथ, आपको डेफिनेटली प्रोफेसर हाई बोलेंगे, यहाँ पे कुछ भी ना नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं ये आपको नहीं बताऊँगा। सो आप अपने पैसे और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो और थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो आराम से पास हो जाते हैं, इतना कोई हार्ड स्टडी नहीं है यहाँ पे। सो दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने कोशिश करी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मैंने एक साल में यहाँ पे देखी वो और जो जितना तक मेरे को पता है वो। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड फिर कभी मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।